संस्थान के निदेशक प्रफुल्ला वाई अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आज कुल 186 पास आउट स्टूडेंट्स को दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्रियां प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि इन सभी बच्चों को पहले ही नौकरी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि संस्थान से बच्चों को बाहरी देशों से भी जॉब के लिए ऑफर आए थे। मीडिया से पूछे एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि इस साल के भीतर IIM सिरमौर का अपना भवन तैयार हो जाएगा, जिस पर करोड़ों की राशि खर्च की जा रही है। NCR रीजन से बिलोंग करता हूँ मैं। IIM सिरमौर से मैंने MBA कंप्लीट किया है और मुझे अभी जो है एक तो गोल्ड मेडल मिला है, उसके बाद जो है मुझे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस अवार्ड मिला हुआ है। एंड मेरा जो है इस कॉलेज में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है हमें बहुत अच्छे से गाइड की इन टर्म्स ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन। और जो IIM का एक सिंबल रहा है कि IIM हमेशा जो है एंटरप्रेन्योर्स एंड यू नो हमेशा मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को इन टर्म्स ऑफ यू नो सक्सेसफुल जर्नी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो इट हैज़ मोटिवेटेड मी अ लॉट। और यू नो IIM का टैग और IIM का जो एक्सपीरियंस जो IIM सिरमौर कर रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसाइट मुझे मिला है। इंस्टीट्यूशन जो है हमेशा नॉलेज शेयरिंग में हमेशा बिलीव करता है। यू नो वी गॉट अ वेरी गुड इंसाइट इन टर्म्स ऑफ यू नो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, और हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी प्लेसमेंट अभी ICICI बैंक में हुई है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, और मेरी ज्वाइनिंग हैदराबाद लोकेशन में। और मुझे चेयरमैन्स गोल्ड मेडल से नवाजा गया है, और एक्सपीरियंस मेरा IIM सिरमौर में काफ़ी अच्छा रहा। जब मैं नया नया IIM सिरमौर मैंने ज्वाइन किया था तो जस्ट कोविड आउटब्रेक आया था, और जिस हिसाब से इस 6-7 साल पुराने कॉलेज ने कोविड के दौरान मैनेज किया डे टू डे एक्टिविटीज़, बी एड टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, जो कि हम सबको पता है काफ़ी मुश्किल है, बट हमारे टीचर्स ने हमें एक्सट्रीमली ज़्यादा सपोर्ट किया, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है सिरमौर का उसने भी कैंपस में ऑनबोर्डिंग कराने में स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की। एंड डायरेक्टर मैम जो नीलू मैम हमारी डायरेक्टर थी, शी ऑल्सो प्लेड अ वेरी गुड रोल, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से सब कुछ मैनेज किया क्योंकि कोविड के दौरान हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। और बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हमें। IIM का पार्ट होना बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए, और यहाँ पे हमें यही सिखाया जाता है कि कैसे हम अपनी एबिलिटीज़, अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकें और उसको रियल वर्ल्ड में कैसे टेस्ट कर सकें, और बेटर इंसान बनना भी एक की एस्पेक्ट है यहाँ की लर्निंग प्रोसेस का। आप कन्वोकेशन दिन था, 186 स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान की गई, सभी बच्चों को ऑलरेडी जॉब मिल गई है, और अभी अपने जॉब में है वो, वहाँ से आए थे वो। जैसा मैंने मेरे स्पीच में कहा, और एक साल अगले साल हम अपने कैंपस में रहेंगे, कैंपस को भी एडवांस स्टेज में है, और अगले साल पक्का हम हमारे कैंपस में रहेंगे। हमारी कोशिश ये है कि जो नई बैच आएगी वो अपने कैंपस में आए, नहीं तो एटलीस्ट एक टर्म के बाद वो अपने कैंपस में जाए। 100% है, 100%। कुछ बच्चे बाहर भी गए हैं या सिर्फ इंडिया में प्लेसमेंट? नहीं, जो कोई लोगों ने समर प्लेसमेंट बाहर की थी दुबई में, उनको वहाँ से जॉब ऑफर आई थी लेकिन उनको कंपनी पसंद नहीं आई तो इन्होंने वो ठुकरा दी। लेकिन ये साल हमारे पास दो ऑफर्स है जो लंदन से आए हैं, तो आने के बाद मैं आपको फॉर्मल बता दूंगा।